केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है केलांचल टाइम्स में, मैं हूँ आपके साथ वंदना। बिहार में इस वक्त पंचायत चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, यानी कि गांव की सरकार के गठन की प्रक्रिया चल रही है। और हमारे संवाददाता की टीम बिहार के क्षेत्रों में इस वक्त पंचायत चुनाव के लिए खड़े उम्मीदवार और ग्रामीण दोनों से रूबरू हो रहे हैं और पंचायत को लेकर, उनके भविष्य को लेकर बातचीत कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ओंकार झा फिलहाल मधेपुरा जिला के अनशपुर पंचायत में, जहाँ पर उनसे मुलाकात हुई है। वहाँ के मुख्य प्रत्याशी जो है सरिता सुमन और साथ में उनके प्रतिनिधि सुबोध सुमन से बात की है। बात करें सरिता सुमन जो प्रत्याशी है उनकी, तो कुछ समय पहले उन्हें डीएम के द्वारा सम्मानित किया गया था, और वजह थी विवाद मुक्त गांव को लेकर। तो आइए इनसे बातचीत कर जानते हैं, आइए किन नए लक्ष्य के साथ दोबारा से उम्मीदवार होकर खड़े हुए हैं, देखते हैं बातचीत का सिलसिला इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स, मैं हूं ओंकार झा। बिहार में गाँव की सरकार चुनने का वक्त है, कई चरणों में मतदान हो गया और कई चरण का मतदान बाकी है। जहां जहां मतदान हो गया है वहां पे गांव की सरकार यानी मुखिया लोगों ने बना लिया है, और जहां जहां मतदान अभी नहीं हुआ है वहां पे प्रत्याशी अपना नामांकन करके चुनाव प्रचार में लग गए हैं। इसी तरह में चौसा प्रखंड के अरजपुर पश्चिमी क्षेत्र के वर्तमान मुखिया सरिता सुमन जी से हमारी मुलाकात हुई, उन्हीं से जानते हैं कि उनका कार्यकाल कैसा रहा और इस बार भी वो चुनावी दौर में है, उनका चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है। सरिता सुमन जी का एक नारा है कि ना मोतियों की हार से ना ढोलक की ताल से, इतिहास जब भी लिखा जाता है तो कलम दवात से, क्योंकि इनका जो चुनाव चिन्ह है वो कलम दवात है। आइए इन्हीं से जानते हैं कि इनका कार्यकाल के बारे में। आपका केलांचल टाइम्स में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सबसे पहले मेरा नमस्कार, मैं आप सभी को और अरजपुर पश्चिम पंचायत की महान जनताओं का मैं तहे दिल से नमस्कार प्रणाम और उनका स्वागत करती हूँ, और आप लोग मेरे बीच आए उनके लिए मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आप अभी वर्तमान में मुखिया हैं, निवर्तमान मुखिया कहा जा सकता है उसको, आपके द्वारा पंचायत में क्या क्या काम हुआ होगा? मेरे पंचायत में एक भी ऐसा रोड नहीं बचा है कि बोंकी है, हर गली में चौराहे पे रोड बन चुका है। रोड की संख्या कितनी होगी? 50। 50 के आसपास रोड की संख्या है जी। आवास कितना दिया गया होगा? आवास नया और पुराना मिला के दोनों से 250, उससे मिनिमम ऊपर भी हो सकता है। वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, लक्ष्मी बाई पेंशन? 2200 के आसपास वृद्धा पेंशन, लक्ष्मी बाई पेंशन दिया गया है। और कभी रंतोष्टी? कभी रंतोष्टी 55 दिया गया है। और आपके पंचायत में एक कन्या विवाह योजना चलता है जी, ये कितना दिया गया होगा? कन्या विवाह वो भी कुल बताएं 250। 250 के आसपास आपका कन्या विवाह योजना आपने पास करवाया है। इसके बाद आपने पंचायत में इतने अच्छे काम किए हैं, आपने आवास भी दिया है 470, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, लक्ष्मी बाई पेंशन अंदाज है 2200 के आसपास दिया, कभी अंतोष्टि 200, वृक्षारोपण कितना यूनिट किया गया होगा? 5000 आपका वृक्षारोपण किया गया है। अब आप फिर से चुनावी दौर में, आप कौन सा ऐसा काम नहीं कर पाए जिसका आपको मलाल है, इस बार फिर मुखिया बन के आएंगे तो वो काम करेंगे? हम अपने पंचायत में युवाओं का मांग है कि मेरे पंचायत में एक खेल का मैदान हो जी, खेल का मैदान और एक विवाह भवन भी हो जी, जिससे कि अगर खेल का मैदान हो, युवक अभी क्रिकेट प्रेमी है तो उसको इस तरह से जो खेलने का हैबिट बनता रहेगा, प्रयास जारी रहेगा तो आगे बढ़ सकता है। अच्छा, आपके द्वारा पंचायत में भी हमारी पूरी टीम घूम रही थी तो पंचायत भवन तो दिखा था, लेकिन उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं दिख पाया था। उप स्वास्थ्य केंद्र है भटगामा में है, तो यहाँ की पंचायत की जनता अपना इलाज करवाने भटगामा जाती है जी, जी। उसमें क्या डॉक्टर, नर्स और एनएम वगैरह की व्यवस्था है? आती है नर्स, सब आती है। आपके द्वारा इस अभी एक महामारी आया था कोरोना, कोरोना काल में आपके द्वारा क्या क्या काम हुआ है? कोरोना काल में
मेरे पति और हम दोनों मिल के ग्राम रक्षा दल को रखे, ग्राम रक्षा दल रख के बैरिकेटिंग हर जगह अपने पंचायत पूरा पंचायत को सील कर दिए थे। उसका खामियाजा है कि मेरे पंचायत में एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं निकला और मेरा पंचायत सुरक्षित रहा। आपने इतने अच्छे काम किए हैं, अब आपके प्रतिनिधि जो आपके पति हैं सुबोध कुमार सुमन जी से ही बात करते हैं कि इस बार फिर से वो चुनावी दौर में हैं, किस उद्देश्य से चुनाव लड़ रहे हैं। सुबोध जी आपका भी स्वागत है लॉन्चर टाइम्स में, और इस बार भी आपकी पत्नी धर्म पत्नी सरिता सुमन जी चुनावी दौर में हैं, किस उद्देश्य को लेकर उतर रही हैं। सबसे पहले हम आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और हमारे रजपुर पश्चिम पंचायत की महान जनता जिन्होंने मुझे 5 साल सेवा करने का मौका दिए, उन्हें भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और मेरे इस कार्यकाल से हमको जैसा लगता है, और ये हम नहीं हमारी अरजपुर पश्चिम पंचायत की महान जनता, उनका कहना है कि दोबारा फिर से आपको सेवा करने का मौका दिया जाएगा। इसके लिए आप बेफिक्र रहें, दुनिया और जो भी लोग जिस तरीके से अपने पंचायत में गलत तरीके से खर्च वर्च कर रहे हैं, आप उस तरीके से खर्च ना करें। उसको शक है कि हम आएंगे कि नहीं आएंगे, इसलिए वो झूठा प्रलोभन देके दारू शराब पैसा से लोगों को खरीदने का प्रयास करेंगे। इसका आप बिल्कुल फिक्र ना करें, जनता आपके साथ है और सभी लोगों का सबका साथ और सबका विकास, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये आपने धरातल पर उतारने का काम किया, ये हमने हमारी जनता बोल रही है। और कोरोना काल की जहां तक बात रही, 24 घंटा हम दोनों पति पत्नी इसमें समय दिए और इसमें अहम भूमिका हम अपने ग्राम रक्षा दल उनका भी रहा, और उन्हें भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, वो भी हमें 24 घंटा साथ दिए हैं। और इसका नतीजा यही निकला कि मेरे पंचायत में एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं निकला जी। और अपने पंचायत को हम आदर्श पंचायत बनाने का बीड़ा उठाए, प्रयास भी किए, लेकिन इसमें कहीं न कहीं कोई चूक हमसे भी हुई होगी और हमारे महान जनताओं से भी कहीं भूल चूक हुई होगी, जिस वजह से सिर्फ एक मधुरापुर गांव को हम वाद मुक्त घोषित कर पाए जो कि हमें सम्मानित घेलार प्रखंड में श्रीपुर पंचायत में एसपी जज और हमारे डीएम साहब अपने हाथों से सम्मानित किए हैं और सम्मान पत्र भी दिए। और वहां भी डीएम साहब पूछे कि नेक्स्ट बार आने के बाद आपका क्या टारगेट रहेगा, क्या इस बार हम चाहेंगे सर हमारे पंचायत में इसको हम आदर्श पंचायत बनाएं, और किस तरीके से हम आदर्श पंचायत बनाएंगे इसके बारे में आपसे भी कुछ हम दिशा निर्देश लेना चाहेंगे। तो डीएम साहब बोले कि ये इसमें आप प्रत्येक गांव में कम से कम 20-22 की संख्या में ऐसे प्रबुद्ध लोगों को एक टीम गठित कीजिएगा और यह जिम्मेदारी उनके ऊपर सौंपिए कि अगर गांव में कुछ भी ऐसा कोई भी बात हो तो पहले आपस में ही इसको निपटने का प्रयास करना है, तब मेरे पास में आए, उसके बाद नहीं होगा तब जाके हम लोगों को थाना जाने का रुख करना है। और रही बात कि आदर्श पंचायत, इसलिए हम बार बार इसका हम जिक्र कर रहे हैं, सरकार के नजर में अगर मेरा पंचायत आदर्श पंचायत होता है ना तो यहाँ पे खेल के बारे में सोचना पड़ेगा, ना शिक्षा के बारे में सोचना पड़ेगा, इसके बारे में सोचेंगे तो हमारे बिहार सरकार और केंद्र सरकार के नजर में आ जाएंगे कि इस पंचायत के बारे में हमको विशेष रूप से हमको हर चीज में मदद करना पड़ेगा। इस बार फिर आप चुनावी दौर में हैं, आप अपने पंचायत की इतने अच्छे अच्छे आपने काम किए हैं, तो काम बोलता है, पंचायत की जनता काम देखती है, इस बार आप अपने पंचायत की जनता को अपील क्या करना चाहते हैं और संदेश क्या देना चाहते हैं पंचायत? संदेश मेरे तरफ से यही है, जिस तरह हमें सेवा करने का मौका दिया गया था, दोबारा फिर से तहे दिल से हमें सेवा करने का मौका दिया जाए, और इस बार हम एक गांव को सिर्फ
वादमुक्त और आदर्श गांव बनाने में सफल रह सके और इस बार तमाम लोगों का हमको सहयोग चाहिए। इस बार हम पूरे पंचायत को आदर्श पंचायत इसको हम बनाना चाहते हैं। यही आप पंचायत की जनता से संदेश देना चाहते जी हैं? इसमें सिर्फ मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। जब तक कि अरजपुर पश्चिम पंचायत की महान जनता एक एक लोगों के जहन में यह चीज नहीं आ जाता है तब तक अकेला चना भाग नहीं हो सकता। जैसे मदरापुर में मदरापुर के ग्रामीण जितना हमको जिस तरीके से साथ दिए उसी प्रकार हम अपने पंचायत में तमाम पंचायत वासियों से आग्रह विनती अनुनय विनय हम करना चाहेंगे, करबद्ध प्रार्थना करना चाहेंगे कि इस बार की अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने में सबों का भरपूर हमको सहयोग चाहिए ताकि सिर्फ जिला तक ही नहीं बल्कि आने वाले समय में अरजपुर पश्चिम पंचायत को पूरे हिंदुस्तान में जाने के अरजपुर पश्चिम पंचायत आदर्श पंचायत इसको बनाने में वहां की जनता का जितना भूमिका रहा उतना अगल बगल आस पास के लोगों का नहीं। और यहां पर जब तक कि हम लोग ऐसा ठानते नहीं है तब तक ऐसा नहीं हो पाएगा। यही आप संदेश देना चाहते हैं पंचायत की जनता? जी हाँ, हम चाहेंगे अपने अरजपुर पश्चिम पंचायत की महान जनताओं से दोबारा फिर से अपील करना चाहेंगे, यह संदेश पूरे हिंदुस्तान में जन जन तक जाए और इसके लिए सभी आदमी अगर ठान लेंगे तो हमको नहीं लगता है कि ये बहुत बड़ा काम है। आपने देखा कि इनके जो प्रतिनिधि हैं सुबोध कुमार सुमन जी, उनका वक्तव्य कितना अच्छा था। और फिर से एक बार मैम आपका क्या नाम है? मेरा नाम सरिता सुमन है। आप वर्तमान में मुखिया हैं, आपका चुनाव चिन्ह क्या है? कलम और दबाद। क्रम संख्या? क्रम संख्या 3। क्रम संख्या 3। आपका नाम क्या है सर? सुबोध कुमार सुमन, अरजपुर पश्चिम पंचायत मुखिया प्रतिनिधि। मुखिया प्रतिनिधि। और कहते हैं ना मोतियों की हार से ना ही ढोलक की तार से इतिहास जब भी लिखा गया है कलम और दवात से। बहुत बहुत धन्यवाद हम अरजपुर पश्चिम पंचायत की महान जनताओं को देना।